हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आज मेरे हाथ में जो पेपर है ये है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 2020 का पेपर। और आने वाले समय में जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं राजीव गांधी इंट्रेंस एग्जाम का, या जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम का, या सैनिक स्कूल, या अन्य कोई भी एग्जाम, तो उन सबके लिए ये पेपर बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आप अंत तक इसको देखिए और मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे इस पेपर को समझ सकेंगे। और इसमें मैं सबसे पहले मैथ्स का सॉल्व कर रहा हूं और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं उत्तम सिंह राणा और चलिए शुरू करते हैं। द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विल बी। तीन अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या और चार अंकों से बनी छोटी से छोटी संख्या का अंतर होगा। देखिए, सबसे पहले चार अंकों की संख्या हम लिखेंगे क्योंकि बड़ी डिजिट चार अंकों की होगी। तो जब चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तीन बार जीरो रखते हैं और लास्ट में वन। अब बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी बनाते हैं तो तीन डिजिट की है तो तीन बार नौ लिख देंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो वन आंसर आएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 100 मीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी। एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए, ये वर्ग है तो परिमाप क्या होता है, हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है इसकी बाहर, परि का मतलब होता है बाहर की माप, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो परिमाप 100 मीटर है, इसका मतलब ये चार बार वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। जब चार बार 100 मीटर है तो इसका मतलब जो हम इसको हम 100 से वह 4 से डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो ऐसा डिवाइड करिए, भाग, डिवाइड का मतलब भाग देना, ठीक है ना। ये आप चाहे तो ऐसा काट सकते हैं, तो ऐसे काटिए, 4 एकम 4, 4 दो 8 और 2 बचा 20 और 2 5 जा 20, यानी 4 5 20। इसका मतलब इसकी जो भुजा आई आर वो साइड आई वो आई 25 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल का मतलब एरिया, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 25 इंटू 25। तो 25 का वर्ग हमें पता है 625 आंसर आता है। तो ये मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आप जो भी लिख सके, ये इसका क्षेत्रफल होगा, एरिया। द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 0.0075% विल बी। देखिए, इसका हमने 0.075% का दशमलव भिन्न में हमें बदलना है। प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100, किसी भी संख्या का प्रतिशत, जैसे हम 20% लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ 20/100, यानी 20/100, तो इसका अपॉन 100 हो जाएगा। जब किसी संख्या में हम 100 का भाग देते हैं तो आप चाहे सीधा भाग दे के देखो, आप नहीं भी देखिए तो जब 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव दो अंक दाई तरफ जाता है। अगर 100 से हम डिवाइड करेंगे किसी संख्या को तो उसका जो पॉइंट है वो दो अंक पीछे चला जाएगा। तो तीन अंक ये ऑलरेडी हैं, 5 है 7 है और 0, ये दशमलव के आगे या पॉइंट के आगे। तो अब दो अंक और आ जाएंगे तो इसका मतलब 2 0 इस पे और आएंगे और यहां दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा सी। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। 5 के प्रथम 5 गुणज, गुणज या मल्टीपल क्या होते हैं, जो पहाड़ा हम बोलते हैं वही मल्टीपल होते हैं, अपवर्त्य विषय कहते हैं। तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15, या 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 25, ये 5 के पहाड़ा 5 बार आ गया। तो इन सबको आप जोड़ दो, ये जोड़ के 75 आया। तो क्योंकि इसका औसत बताना, तो औसत में ये 5 5 यूनिट है तो 75 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, डिवाइड है, ऐसा भी हम करते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से करिए। तो 5 1 5, 5 1 5, यानी 5 एकम 5 इसमें हुआ। आप देखिए, यहाँ पे 7 है तो 2 बचा है, तो यानी 2 5 के पीछे बचा, तो इसका मान अब 25 हो गया। तो 5 5 25 या 5 5 25, इसका मतलब इसका औसत जो है 15 है एवरेज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 0.304 × 20/30.4 × 2 × 0.1 इंच, इसका मान बताना है हमें, कितना मान होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले हम सीधा सा 304 है, 304 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 608 या 608। अभी मैं दशमलव नहीं रख रहा हूँ। फिर इसका मल्टीपल हम 1 से करेंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ नीचे भी 304 का फिर 2 बार करेंगे तो
608 या 608 हो जाएगा 2 से। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने दो बार मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसके आगे जीरो भी है, तो इसके आगे जीरो भी आएगा। अब देखिए ऊपर कितने अंकों के पीछे दशमलव हुआ, तीन अंक ये हो गए, एक ये हो गया, चार, 1 2 3 4 यहाँ दशमलव आ गया। नीचे केवल एक अंक के पीछे दशमलव आया। अब जब हम भाग देते हैं, इसका भाग हम इसमें देंगे तो इसका इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, तो हम इसको इंटू 10 करेंगे और इसको भी इंटू 10 करेंगे। तो ऐसा करके क्या होगा, हमारा दशमलव आगे सरक जाएगा, क्योंकि इंटू 10 करने से इसके आगे एक जीरो और आ जाएगा दोनों के आगे। अब देखिए दशमलव इसका तो यहां सरक गया, ये तो जीरो कट गया, और इसका एक अंक इधर सरक गया, तो यानी हमने इससे डिवाइड करना है 608 से 6.08000। तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं, दशमलव के बाद जीरो लिखना जरूरी नहीं। तो ये देखिए हम पॉइंट रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि पॉइंट के बाद हम दोनों अंकों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। दशमलव के बाद क्या होता है, हम केवल एक अंक तक भाग दे सकते हैं। तो हम इसी में भाग देखिए, 608 का भाग 60 में नहीं जाता है, 60 में नहीं जाता है, तो हम जीरो बार भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 60 बचेगा, दूसरे स्टेप पे हम 8 नीचे उतार सकते हैं, तब 1 से 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर 0.01। अ स्टूडेंट कैन रीड 24 पेजेस ऑफ अ बुक इन 2 आवर्स, हाउ मेनी पेजेस कैन ही रीड इन 10 मिनट्स। एक छात्र क्या करता है, 2 घंटे में तो पढ़ता हो 24 पेज किताब के, ठीक है, और 10 मिनट में कितने पेज पढ़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे घंटे में दे रखा है और यहाँ मिनट में दे रखा है, तो सबसे बढ़िया दोनों के मिनट बना दो। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है तुलना करना, एक तरफ मिनट लिख दीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हैं, और एक तरफ पृष्ठ या पेज जो भी लिखना आपको, पेज पेजेस। तो कितने मिनट में कितने पेजेस पढ़ा उसने, 2 घंटे में, मतलब यानी 120 मिनट हुए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट, और इसमें पढ़ रहा है 24 पेजेस को, तो ये 10 मिनट में कितने पेजेस पड़ेगा, तो x पेजेस, यहाँ तीर का निशान x की तरफ लगता है। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखिए कि यहाँ मिनट अगर घट रहे हैं तो यहाँ पेजेस भी घटेंगे, इसका मतलब एक की तरफ निशान लगेगा, और इसका हो जाएगा x अपॉन 24 इक्वल टू 10 अपॉन 120। अब ये 24 को मैं यहीं पे अक्षांतर इसका कर रहा हूँ, आगे ले जा रहा हूँ, देखिए 0 से 0 कटा, और 12 वन जा 12 और 12 टू जा 12 दोनी 24, ठीक है ना। इसका मतलब 2 पेजेस पड़ेगा 10 मिनट में, 2 पेज। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री इज, दी गई आकृति में एक्स डिग्री यानी इसका मान आपने बताना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुज के तीनों अंदर के कोण होते हैं, ठीक है ना, तो इनका मान होता है 180। तो 180 में से 2 एंगल हमें पता है, एक 45 है एक 75 है, तो इसको आप जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 7 4 11 और 12, 120 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब तीसरा जो कोण होगा वो इसमें से 120 कम करके निकलेगा, तो यानी 60 डिग्री का होगा। तो अंदर का कोण देखिए 60 डिग्री का होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका ये सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, या संपूरक कोण होता है, मतलब एक कोण जिसका दूसरा कोण जिसको मिला करके, दो कोणों को मिला करके जब जोड़ 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कह रहे हैं कहते हैं। कहने का मतलब ये भी है कि ये सीधी रेखा है इसलिए 180 अंश का कोण बना रही है, तो 180 डिग्री में से ये 60 डिग्री आप कम कर देंगे तो ये बगल वाला कोण का पता चल जाएगा, तो इसका मतलब ये बगल वाला कोण जो है 120 डिग्री का है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन इतने में, ये संख्या दे रखी है एक, ये डिजिट है, और इसमें 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। तो देखिए 5, एक तो 5 ये है 5 और एक ये 5 ये है, इसकी प्लेस वैल्यू देखिए, प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे ये है 5 उसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक है, तो इसका मतलब इसके आगे 50, इसका मतलब 5 लाइक इसकी प्लेस वैल्यू है। और दूसरा जो 10 वाले प्लेस पे है, दहाई के स्थान पे, तो दहाई का मतलब 10, तो 10 में इसके आगे एक अंक है तो 10, इसकी प्लेस वैल्यू 50 है, तो इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए तो 5 5 25 हो गया, 5 5 25। और यहाँ पे देखिए 50 ऊपर के आ गए और 10 नीचे के, 60 2,50,00,000 हो गया। तो ये वाला आंसर, द वैल्यू ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर सेकेंड विल बी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की
का मान मीटर सेकंड में होगा। देखिए चाल दो तरह से होती है, एक किलोमीटर पर आवर दी होती है, एक मीटर पर सेकंड होती है। अगर चाल किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो इसको हम 5/18 5/18 से गुणा कर देते हैं तो चाल आते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसको देखिए यहां कट रहा है 18 × 18 = 18 × 4 = 72 ठीक है ना। अब यहां देखिए 4 × 5 है तो 4 × 5 = 20 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो चाल मीटर पर सेकंड में आएगी। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 14 सेंटीमीटर देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विल बी। कोई वृत्त दे रखा है, देखिए यहाँ पे एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है ठीक है ना। ये वृत्त है, व्यास कहते हैं जो अंदर से केंद्र से होके जो सबसे लंबी जीवा वृत्त की होती है 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अलग क्या ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका जो आर है इसका आधा होता है तो 7 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करनी है सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस यानी परिधि बराबर होता है 2πr। तो इन दो का मतलब 2π का मान आपको पता है 22/7 होता है, अब गुणा ये 7 तो इसका जो है हम 7 काट देंगे, 7 × 7 = 7 तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 22 का तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा ये वाला। रमेश हैड ₹250 इफ ही बॉट अ बुक ऑफ ₹50 देन द मनी स्पेंड ऑन दैट बुक वुड बी इन परसेंटेज विल बी। रमेश के पास ₹250 थे, उसने ₹50 की पुस्तक खरीदी, उसका पुस्तक पर खर्च किया धन प्रतिशत में होगा। तो रमेश के पास क्या है, ₹250 हैं, उसमें से 50 की पुस्तक खरीदी, तो जो टोटल होता है वो यहां लिखते हैं हम, उसमें से जो भाग हम खर्च करते हैं या जो लेते हैं वो ऊपर, जैसे टीचर अगर नंबर रखेंगे तो टोटल इतने में से इतने नंबर आए ठीक है ना। अब इसको प्रतिशत में बताना, तो प्रतिशत में बताने के लिए हम क्या करते हैं ₹100 और ₹100 नीचे भी, ताकि इसके मान में कोई अंतर ना आए। इस नीचे वाले 100 के साथ हम छेड़ते नहीं है क्योंकि आगे ले जाना होता है ताकि इसका प्रतिशत निकल पाए ठीक है ना। अब इसको आप काट दीजिए, इसको काटिए 25 × 25 25 × 50 यानी 25 × 50 10 × 2 = 20 आएगा मल्टीप्लाई करके। अब 20/100 का मतलब हो गया 20%। There is a loss of 10% on selling a car for ₹4,50,000. The cost price of the car will be. एक कार 4,50,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कार का क्रय मूल्य होगा। देखिए ऐसी कंडीशन में बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं कि 4,50,000 का 10% निकाल देते हैं, 4,50,000 का, जबकि इसमें 10% किसी भी चीज का जब 10% निकलता है तो क्रय मूल्य पे निकलता है, या कॉस्ट प्राइस से कहते हैं सीपी, सीपी पे निकलता है। तो इसका सीपी नहीं दिया हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा, सपोज सीपी 100 रुपीज, ये सीपी है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो उसके हिसाब से जो विक्रय मूल्य हमारा है जो एसपी है सेलिंग प्राइस, तो क्योंकि 10% की हानि हो रही है तो यानी 100 पे 10 रुपए कम तो 90 हो, ये एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला है इसका, बहुत छोटा सा कि हम 100/90 कर देते हैं और इसको वास्तविक जो विक्रय मूल्य है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4,50,000 से, क्योंकि 9 से 0 कटा, 9 × 1 = 9 9×5 = 45 और ये 3 0 ये वाले ठीक है। अब देखिए इक्वल टू ये 5 के आगे 3 0 तो पहले से है, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 और आ जाएंगे यानी 5 लाख रुपीज ठीक है, तो 5 लाख इसका आंसर। देखिए 1/3, 3/10, 5/6 और 2/5 का आरोही क्रम, आरोही क्रम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ये चार भिन्न है, चार फ्रैक्शन है 1/3, 3/10, 5/6 और 2/5। तो हम फ्रैक्शन को छोटा बड़ा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं या तो उनके हर बराबर हो या तो उसके अंश बराबर हो है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं नीचे वाले का से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को, यानी इसको बदलते हैं पॉइंट या दशमलव में। तो देखिए यहाँ पे हम 10 हो गया ठीक है ना, तो 3 × 3 = 9 अब ये फिर 1 बचे तो यहाँ 0 बढ़ा, 3 × 3 = 9 तो ये बढ़ता रहेगा, हम इसको इतना ही लेते हैं। यहाँ 10 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट रखा यहाँ 0 बढ़ा तो 10 × 3 = 30 10 × 3 = 30 आ जाएगा, तो 10.3 आया। यहाँ 6 का भाग हम 5 में देंगे
तो यहाँ दशमलव रखा तो यहाँ जीरो बड़ा, तो छह अठा अड़तालीस, सिक्स एट जा 48, और यहाँ देखिए दो बचे एक जीरो और बड़ा, तो छह तीन अठारह, अभी इतना बहुत है। यहाँ दो का भाग हम पांच में देंगे, तो सॉरी फाइव से हम डिवाइड करेंगे टू को, तो यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट रखा यहाँ जीरो बड़ा, तो फाइव फोर जा 20। अब देखिए आरोही क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे छोटा, तो यहाँ दशमलव में देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 0.3, यानी 0.3 आया था 3/10 का, तो सबसे पहले 3/10 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आया 0.33, तो पहला वाला 1/3, उसके बाद छोटा है ये लास्ट वाला, तो 2/5, और सबसे लास्ट में आएगा 5/6, तो ये वाली बिन कौन सी सही है, देखिए डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। द डेसिमल वैल्यू ऑफ, ये संख्याएं दी हुई है, फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 7/25 है, 3/100 है और 1/10 है। सबसे बढ़िया तरीका ये है, देखिए इसका आसानी से डिनोमिनेटर इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन बन रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको 100 बना देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100 बन जाएगा, 41/100 आएगा, और 41/100 में क्या होगा, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 41 को, तो दो अंकों के पीछे दशमलव लगेगा। प्रेडिसेसर ऑफ होल नंबर वन इज, जो पूर्ण संख्या एक होती है उसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब है कि एक कम, तो एक में से एक कम क्या होगा, जीरो होगा, तो इसका पूर्ववर्ती जीरो, पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले की संख्या। द एलसीएम ऑफ 4 and 22 विल बी, 4 और 22 का लघुतम समापवर्त्य होगा। एलसीएम यानी लघुतम समापवर्त्य निकालने के लिए सबसे बढ़िया विधि होती है प्राइम फैक्टर ज्ञात करना या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो 4 और 22 में देखिए सबसे छोटी संख्या 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है ना। अब ये दोनों अभाज्य संख्या आ गई, चलो आप अगर भाग देना चाहें तो दे सकते हैं, 2 से 2 भी दे दीजिए, 2 1 जा 2 यहाँ 1 आ गया, और 11 में नहीं जा रहा, तो 11 से ही डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, तो जब नीचे 1 1 आ गया तो समझ लीजिए कहानी खत्म हो गई। तो ये 2 × 2 × 11, 2 × 2 × 11, तो 11 2 जा 22 और 22 2 जा 44, यानी 22 2 4 और 11 4 44, कैसे भी आप करो तो इसका एलसीएम या लॉस ऑफ 44 ही आएगा। द रोमन नंबर ऑफ 69 इज, जो 69 है उसका रोमन संख्या क्या होगा, तो रोमन में देखिए 50 के लिए या 50 के लिए एल लिखते हैं, 60 के लिए एल एक्स लिखते हैं, 60 के लिए ये 60 हो गया, और 9 के लिए हम क्या लिखते हैं, आई एस। ये वाला आंसर बिल्कुल सही। इफ वन स्टूडेंट कवर्स एन एरिया ऑफ 4 square feet फॉर सिटिंग इन हिज क्लास, then how many students can take seats in a square shape class of 12 feet? देखिए यहाँ पर क्या है कि बच्चे बैठ रहे हैं एक स्क्वायर फील्ड में, यदि एक बच्चा अपनी कक्षा में बैठने के लिए 4 वर्ग फीट क्षेत्रफल घेरता है, तो 12 फीट भुजा की वर्गाकार कक्षा में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो 12 फीट भुजा का कोई कमरा है सपोज ये है, ठीक है ना, बड़े के क्षेत्रफल को डिवाइड करते हैं छोटे के क्षेत्रफल से, यानी 12 × 12 × 12, 12 × 12, ये तो पूरा क्षेत्रफल आ गया कक्षा का, जिस कक्षा में वो बच्चे बैठते हैं, ये उसका एरिया आ गया, और एक बच्चे को चाहिए 4 फीट, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 4 3 12 और 12 3 36 या 12 3 36, इसका मतलब 36 बच्चे उस क्लास में बैठ सकते हैं। What is the least number of 4 digits, which is a perfect square? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी लीस्ट नंबर होता है वो 1000 होता है, इसमें वर्गमूल निकालने के लिए हमने ये जोड़े बनाए, और हमने इसको पहले 10 का लिया, तो 3 3 जा 9, 3 यहां लिखा, 3 3 जा 6 हुआ, 3 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ, और यहां 10 में 1 बचा, ये 100 हो गया। अब देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जिसका भाग 100 बन जाएगा, अगर हम 1 टाइम देते हैं
तो 61 into 1 तो ये तो कम हो रहा है 61, ठीक है ना, यहाँ बच रहा है, बचना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये सवाल इस ये संख्या 4 अंकों की है, तो इससे 4 बड़ा होना बड़ी होनी चाहिए। अगर हम 62 से करते हैं तो 62 का 2 बार करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 2 4 और 2 6 12, 124 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ही बार जाएगा, तो यहाँ 2 2 जा 1 2 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 है, तो 124 के लिए कितना ज्यादा आन चाहिए इसको, तो हम क्या करेंगे 124 में से 100 माइनस कर देंगे, इसका मतलब 24 अगर ये और होता तो भाग चला जाता, तो डिवाइड हो जाता, तो 1000 में 24 को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो 1024 वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है 4 अंकों की, छोटी से छोटी, क्योंकि वो 32 का वर्ग है, स्क्वायर है 32 का, 32 का। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 1,94,056 विल बी, 1,94,056 का विस्तारित मान होगा। तो देखिए 1 लाख का विस्तारित मान तो 1 ही लाख होगा, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, प्लस 9 है तो 9 90,000 होगा, 90,000 में 4 जीरो होंगे, प्लस 4 है तो 1,000 है तो 4,000 होगा, प्लस यहाँ पे शून्य है तो शून्य ही होगा 0, प्लस 5 का 50 होगा और प्लस 6 तो इकाई है, यूनिट है ये, तो इसका 6 ही रहेगा, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो इसमें जो आंसर है वो ए वाला है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ 20 × 15 × 5 cm³ बॉक्स विल बी, कोई क्यूबाइड घनाभाकार बॉक्स है, तो इसका क्षेत्रफल आयतन कितना होगा, सॉरी आयतन क्या होता है, लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू आयतन बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन निकालने के लिए होता है, तो लंबाई 20 है, 15 चौड़ाई है और 5 ऊंचाई है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसको गुणा कर दीजिए, 15 2 जा 30, 15 2 30 और 30 5 15, 3 5 15 150 और 1 जीरो इसका, तो 1500 1500 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब होगा ये वाला। द वैल्यू ऑफ, ये कुछ डिजिट्स दी हुई है, इसकी आपने वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, तो यहाँ 9 सही 1/6 है, ऋण ऋण 3 सही 2/5 है, गुणा 3 से 1/4, भागा 5 से 1/2, ठीक है ना, तो 9 होल 1/6, तो इसको हम पहले क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, तो 9 6 जा 54 और ये 55 हो गया, 55/6 माइनस 3 5 15 और 2 17, 17/5 गुणा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 और 1/30/4, और यहाँ क्या करते हैं हम इसको डिवाइड में, हम सीधा इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, लेकिन आगे वाला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 11 हुआ, 5 2 10 और 11/2 हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड इनटू कर दिया, तो इसको उल्टा हो जाएगा 2/11, ठीक है ना, इसमें हम भाग नहीं करते हैं, तो इन सबको जो मल्टीप्लाई है इनको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 2 4 और कोई कट नहीं रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्योंकि माइनस का सवाल है, तो इसमें ये इक्वल करने जरूरी है, 330 में जाएगा 6 का भाग, 6 5 30 6 5 30, ठीक है ना, तो 330 कर में कितनी बार जाएगा, 6 5 30 55 बार, तो ये 55 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से मल्टीपल होगा, तो इक्वल टू कितना होगा, नीचे तो आ गया 330। देखिए यहां पे इसका मल्टीपल करके इतना आया 3025, 3025, और इसका गुणा करके या मल्टीपल करके 663 आया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो घटा करके आएगा ये 2362/330 और 7 21, 7 3 21 2 और 7 3 21 और 2 23,
तो यहाँ पे जो बचा 2 और 5 बचा, तो ये इतना हो जाएगा 7 होल या 7 मिक्स्ड 52 अपॉन 33, 7 सही 52 बटे 330 इसका आंसर होगा। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या होगी, द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 टू 100 विल बी, तो 1 से 100 के बीच जो है ना 25 नंबर्स हैं जो प्राइम है, याद रखने आप। 1 से 100 के बीच 25 नंबर्स प्राइम होते हैं, ठीक है। ऑन अ सर्टेन डे द सन राइजेस एट 6:25 AM एंड सेट्स एट 5:38 PM, द लेंथ ऑफ द डे विल बी, एक निश्चित दिन में क्या होता है, सुबह सूरज उगता है 6:25 का, ठीक है ना, 6:25 AM, AM का मतलब सुबह का, और सूर्योदय होता है अपराह्न 5:30 पे सूर्यास्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि 5:30 को में से हमने इसको घटाना है, सॉरी 5:30 में से 6:25 को, तो ये घट नहीं सकता है क्योंकि होता क्या है कि 12 बजे के बाद फिर 1 बज जाते हैं, तो हम इसको रेलवे टाइम के हिसाब से करते हैं, 1 बजे को हम 13 बोलते हैं, 2 बजे को 14 या 14, 3 बजे को 15, तो इस तरह से हम 5 बजे को क्या बोलते हैं, 12 में 5 जोड़ दो तो 17, यानी 17:30 पे अब सूर्यास्त होता है, तो इसको घटाइए 30 में से 25 गए तो 5 मिनट और यहाँ 11, तो दिन का टाइम रहता है 11 घंटे और 5 मिनट। ये वाला सवाल है सॉल्व करने के लिए, इसमें जो कोस्ट दे रखे हैं ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा कोस्ट होता है इसके भीतर का हल करते हैं, तो हम बाकी को वैसे लिख देंगे 2, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, अब 2 के और इसके बीच कुछ निशान नहीं है तो यहाँ पे हम इनटू लगा देते हैं, ठीक है ना, 2 जरा बड़ा लिख रहा हूं मैं ये, और इनटू 18, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 18-3 है प्लस 2 है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले प्लस प्लस को जोड़ देते, 18 के पीछे प्लस होना होगा और क्योंकि उसके पीछे कोई निशान नहीं है तो वहां पे प्लस माना जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पोस्ट के बाहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो 18 में 2 ऐड कर देंगे तो 2 जोड़ देंगे तो 20 होता है, उसमें से 3 कम कर दो तो 17, अब इसलिए इस छोटा पोस्ट हम लगाते ही नहीं, ये खत्म हो गया, सॉल्व हो गया, और यहाँ पे मझला पोस्ट बंद हो गया, प्लस 15 डिवाइड बाय, अब यहाँ 12 में से 7 चला गया कम हो गया तो 5 बचा, प्लस 3, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड पहले करेंगे, इसको भी कोस्ट के भीतर का हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो 17 दोनों 34, 17:2=34 होता है, ये सॉल्व हो गया, प्लस यहाँ 5 से हमने डिवाइड किया 15 को, तो 5 × 3=15 होता है, यानी 3 उत्तर, प्लस 3, तो 34 × 3=37 × 3=40, 40 आंसर। हम सॉल्व करते हैं मेंटल एबिलिटी वाले या मानसिक योग्यता वाले, यहाँ पे देखिए 4 में पढ़ नहीं रहा हूँ विकल्प, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग आराम से इसको पेपर देते समय पढ़ लीजिएगा और तब जाके सॉल्व सवाल कर दीजिए, सॉल्व करिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 एक जैसे समान है किसी न किसी रूप से और एक डिफरेंट है, अलग है, तो यहाँ देखिए लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लखनऊ, भोपाल और चेन्नई तीनों कैपिटल्स हैं, राज्यों की, स्टेट की कैपिटल्स हैं, और ये अहमदाबाद कैपिटल नहीं है, तो इसलिए अहमदाबाद ही उत्तर होगा, ठीक है। शेर, जिराफ, बाघ, तेंदुआ, अब ये देखिए ये लियोपर्ड है, टाइगर है, लॉयन, ये तीनों एक प्रजाति के हैं, समान है, और ये जिराफ अलग है। देखिए रिवर, लेक, पॉन्ड और माउंटेन, नदी तीन, तालाब, इनमें तीनों में पानी होता है लेकिन पर्वत अलग है, तो इस आंसर यही होगा। बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, शनि, ये देखिए तीनों ग्रह हैं, जुपिटर, वीनस और सैटर्न प्लूटो है, जबकि ये उपग्रह है, मून ग्रह नहीं है, उपग्रह है, सैटेलाइट। देखिए स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, आयत, इसमें अलग आपको क्या दिख रहा है, तो इसमें जो अलग है वो वृत्त है, क्योंकि ये सीधी रेखाओं से, रेखाखंडों से मिलकर के बनते हैं और वृत्त सीधी रेखा से नहीं बनता है, वृत्त या सर्कल। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से आपने क्या करना है, एक श्रृंखला दे रखी है,
सीक्वेंस दे रखी है, तो अगली सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा या कौन सा विकल्प आएगा उसका चयन आपने करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और चलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, मैं सीधे प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 64, 16, 25, 36। तो 16 देखो 4 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 या 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब 9 का स्क्वायर 81 आएगा। ठीक है, ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी एच जी एच आई जे, तो क्या होगा आई जे के एल, आई जे के एल। इसको देखिए यहां 20 और यहां 1 का अंतर है, 1 का डिफरेंस है, 21 और 23 में 2 का डिफरेंस है, 23 और 27 में, 23 और 27 में कितने का है, 4 का। यहां कितने का हो गया, 27 से 35 के बीच 8 का हो गया, तो यानी ये दुगना हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसका मतलब यहां 16 का अंतर हो जाएगा। तो 35 में 16 आगे कौन सी संख्या डिजिट आएगी, 51 आएगी। 1, 8, 27, 64, ये देखिए एक, इसको देखेंगे आप तो ये 1 जो है 1 का क्यूब है, 1 × 1 × 1, 8 जो है 2 का क्यूब है, ट्वेंटी सेवन क्या है 3 का क्यूब है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 64 क्या है 4 का क्यूब है, 4 × 16 = 64, 125 क्या है 5 का क्यूब है, 5 × 25 = 25, 25 × 125। अब 6 का क्यूब, तो 6 × 6 = 36, और 36 × 6 कितना होता है, 6 × 6 = 36, 3, 6, 3, 18, 3, 21, 216, तो इसका मतलब 6 का क्यूब 260। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी 3 है, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ जी एच होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 है 7 है, यानी 4 ज्यादा है, यहाँ भी 4 ज्यादा है, तो 11 चार 15 होगा, तो जी एच 15 होगा ए वाला। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों पे भी आपने क्या करना है, जो श्रृंखला को आगे बढ़ाना है, आगे कौन सा आएगा ये आपको बताना है। देखिए मुंबई, चेन्नई, कोची, तो ये तीनों मुंबई भी, चेन्नई भी, कोची भी क्या है, ये बंदरगाह है। इनके हिसाब से अमृतसर, इलाहाबाद, रायपुर नहीं आएगा, बल्कि पांडिचेरी आएगा, पांडिचेरी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा है, तो हरिद्वार, बागेश्वर, देहरादून, उत्तरकाशी। अगर हम इनको पे गौर से देखें तो ये तीनों कुमाऊं मंडल से रिलेटेड हैं, तो ये कुमाऊं मंडल का जिला बागेश्वर आएगा, ये तीनों गढ़वाल मंडल के जिले हैं। इन अ सर्टेन कोड इफ कैट इज रिटन एज 3120, बैट इज रिटन एज 2120, देन हैट विल बी कोडेड एज, कोई सांकेतिक भाषा है उसमें कैट को इतना लिखा जाता है 3120 और बैट को लिखा जाता है 2120, तो हैट को क्या लिखा जाएगा, अगर हम पे गौर करें तो सी तीसरा अक्षर है, ए पहला अक्षर है, तो एक, और टी बीसवां अक्षर है, तो 20, तो ये जो एच है ये आठवें नंबर पे आता है, एट्थ प्लेस पे, और ए फर्स्ट नंबर पे आता है, और टी 20, तो इतना हो जाएगा ये वाला आंसर। किसी सांकेतिक भाषा में एन को एनईएच भी है, कैट को टीएसी टैग लिखा जाता है, तो रेड को लिखा जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इन एन इज रिटन एज नेह, कैट इज रिटन एज टैग, रेड इज विल बी कोडेड एज, तो यहां अगर हम देखेंगे तो इसको उल्टा कर रखा है, एनईएच ऐसा उल्टा जा रहा है, इसमें भी सीएटी को TAC ऐसा उल्टा हो गया, तो यहां रेड को भी हम उल्टा कर देंगे, TAR हो जाएगा। इन द फॉलोइंग वर्ड्स विच वर्ड विल कम फर्स्ट इन इंग्लिश डिक्शनरी, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा,
देखिए सबसे पहले वो शब्द आता है, हम पहले सबसे पहले पहला अक्षर देखते हैं, पहला लेटर देखते हैं, तो ये ए दोनों सब में है, फिर एल 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 सब में, डबल एल दोनों में सब में, देखिए ओ भी सब में यहां तक बराबर है। तो यहां तक देखिए, ओ के बाद अगला जो लेटर है, यहाँ टी है, यहाँ वाई है, यहाँ सी है, यहाँ टी है, तो इसका मतलब सबसे पहले सी वाला आएगा, क्योंकि सी पहले आता है इसलिए एलोकेट सबसे पहले आएगा। द एंगल फॉर्मड बाय मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 9 PM वुड, रात्रि 9 बजे घड़ी की घंटी एवं मिनट की सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। तो जब ठीक 9 बजते हैं तो जो मिनट की सुई है यहाँ 12 पे होती है, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे घंटे की सुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो ठीक 90 डिग्री का बनता है। कथक इज रिलेटेड टू यूपी इन द सेम वे बिहू इज रिलेटेड। कथक जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार बिहू संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और बिहू असम का लोक नृत्य है, तो असम से रिलेटेड है। द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर राजन एंड ज्योति इज प्रेजेंट इन 80 ईयर्स। व्हाट वाज द टोटल ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स एगो। अमर राजन और ज्योति की आयु का योग वर्तमान में 80 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग रहा होगा। देखिए तीन लोग हैं, तो अभी जितनी इनकी उम्र है, अमर है, राजन है और ज्योति है, तो 3 वर्ष पहले, ये 3 साल कम रही होगी, ये भी 3 साल कम रहा होगा, ये भी 3 साल कम रही होगी, तो इसका मतलब ये तीनों 9 साल कम रहे होंगे। तो हम 80 में से 9 ईयर को माइनस कर देंगे तो 71 ईयर्स वहां होगा योग इसका। ऑफ्थैल्मिया इज रिलेटेड टू आई इन द सेम वे रिकेट्स इज रिलेटेड टू। एक नेत्र प्रदाह एक रोग होता है, इसको कहते हैं ऑफ्थैल्मिया, तो ये आंख की बीमारी है। ठीक उसी प्रकार सूखा रोग या रिकेट्स किससे संबंधित है? जो सूखा रोग रिकेट्स होता है उसमें हड्डियों की बीमारी है, हड्डियां कमजोर हो जाती है बच्चे की, जो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है ना, तो ये बोन की बीमारी। बिसाइड्स हिंदी विच वन इज द अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड। हिंदी के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी भाषा उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो हिंदी के साथ द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है संस्कृत, ठीक है। मिताली राज किससे संबंधित है? तो मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बद्रीनाथ विच गॉड इज मेनली वर्शिप्ड। बद्रीनाथ में किस देवता की प्रधान पूजा होती है? तो बद्रीनाथ में पूजा होती है बद्री नारायण की, और बद्री नारायण जो रूप है वो भगवान विष्णु का एक रूप है, ठीक है ना। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। कौन सी पुस्तक वाल्मीकि द्वारा लिखी गई? तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। विच बुक इज रिटन बाई वाल्मीकि, तो रामायण इसका आंसर है। चौफला एक नृत्य है, चौफला इज डांस, तो जो चौफला जो फोक डांस का है हमारे स्टेट उत्तराखंड का है। चौफला, झुमेलू, छाछरी, पांडव नृत्य। अब ये फिगर वाले प्रश्न है, मैं इसके निर्देश नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए निर्देशों को और तब जाके इनको सॉल्व करिए। ये जो फिगर है यहाँ पे देखिए, पहले का जो अनुपात दूसरे से, अर्थात पहले का जो संबंध दूसरी आकृति से है वही तीसरी आकृति का किससे होगा? तो पहले देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल यानी वर्ग के भीतर त्रिभुज है, इसका उल्टा हो गया, त्रिभुज बाहर वर्ग अंदर। अब तो यहाँ ऐसा है, यहाँ ये षटभुज है और इसके अंदर गोला है, तो गोला बाहर आ जाएगा और ये बाहर वाला अंदर चला जाएगा, तो ए वाला आंसर होगा। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ये रेक्टेंगल है या आयत है, इसके भीतर एक मल्टीपल का एक प्लस का निशान है, तो ये बाहर का ये गायब हो गया, ये निशान वैसे रह गया, ये प्लस है तो इसके प्लस ही प्लस रहेगा और बाहर का गायब हो जाएगा। यहाँ देखिए ये
काला वाला हिस्सा ऊपर था, ये उल्टा हुआ, लेकिन बाकी आकृति डिलीट हो गई। तो ये यहाँ काला वाला हिस्सा है, ये उल्टा हो जाएगा, बाकी आकृति डिलीट हो जाएगी, तो डी वाला आंसर सही है। यहाँ देखिए, ये स्क्वायर है या वर्ग है, ये ट्रायंगल या त्रिभुज है, ये षटभुज है अर्थात हेक्सागोन है ये, तो यहाँ इसमें पंचभुज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पेंटागन भी इसे कहते हैं और पंचभुज भी कहते हैं। यहाँ देखिए, ए स्मॉल है, बी कैपिटल है, ये उल्टा हो गया, बी स्मॉल हो गया, ए कैपिटल, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो ई एफ में भी क्या होगा, एफ पहले आ जाएगा तो स्मॉल होगा, ई बाद में कैपिटल हो जाएगा। तो एफ ई, ये देखिए, ये वाला आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। आगे वाले प्रश्नों के भी मैं निर्देश नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो 86 से जो क्वेश्चन है, इस पे आपने क्या करना है कि जो एक आकृति दी हुई है, इसी के ठीक समान आकृति में से खोजनी है। तो यहाँ देखिए, इसे अगर आप मिलान करेंगे तो ये कोई मैच नहीं कर रहा है, ये डी वाला मैच कर रहा है। यहाँ देखिए, एक दिल्ली इधर, एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर, लेकिन एक ब्लैक है इसमें, तो यहाँ ये वाला मैच कर रहा है डी वाला। देखिए देखिए, ये स्क्वायर है, ये सर्किल है और रेक्टेंगल है, यानी बाहर से जो ये है इसको बोलते हैं वर्ग, वृत्त और आयत। वर्ग, वृत्त, आयत। आयत देखिए, ये छोटा हो गया, यहाँ ये आयत नहीं है, इसका यहाँ 90 डिग्री का कोण ही बन रहा है, इसका मतलब सी वाले में देखिए बिल्कुल मैच कर रही है आकृति। और यहाँ देखिए, ये दो तीर के निशान दोनों तरफ है, तो ये गलत है, इसके भी यहाँ है, यहाँ देखिए ये वाली आकृति बिल्कुल मैच कर रही है। ये देखिए, यहाँ चार प्लस है अंदर, इसपे तो है नहीं, इसमें भी चार प्लस है, लेकिन इसके कोण है गोल, है गोल हो रखे हैं, जबकि इसके कोनों पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ देखिए, ये वाला आकृति डी वाली बिल्कुल मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 91 से है, इसके भी मैं निर्देश नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहिएगा। और लेकिन इसमें करना क्या है आपको कि चार आकृतियां दी गई हैं, तीन किसी न किसी रूप से समान है और एक डिफरेंस है, तो डिफरेंस वाली आकृति अलग कौन सी आकृति है उसको आपने छांटना है। तो यहाँ साफ पता चल रहा है, ये भी ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तीनों ट्रायंगल है और ये चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं इसकी, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये घन है और घन का एक तल ब्लैक है, ये घनाभ है या क्यूबॉइड है, इसका एक तल ब्लैक है। यहाँ देखिए, तो ये बेलन है, इसका एक तल ब्लैक है, लेकिन इसका कोई तल ब्लैक नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर है। इन पे अगर हम गौर करेंगे तो एक आधा है और ये आधा है इसका, फिर आधा दो हिस्से किए हुए हैं तीनों पे, लेकिन इसके चार हिस्से हैं, तो ये अलग साफ पता चल रहा है। इसमें देखिए, जो आकृति अंदर है वही बाहर है, इसमें भी जो अंदर है वही बाहर है, जो अंदर है बाहर है, लेकिन इसमें देखिए अंदर पांच भुजाओं की है, बाहर छह भुजा वाली है, तो आंसर यही होगा, डिफरेंट यही डिफरेंस इसी में है। प्रश्न नंबर 95 से है, इसमें आपने क्या करना है, इसका एक हिस्सा छोटा हुआ है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप पूरा वर्ग बनाइए पहले, और इस पे कौन सी आकृति मैच करेगी, तो यहाँ देखिए, यहाँ तिल्ली है, तो तिल्ली की जैसी ये वाला देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए, ये तीर है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको अगर हम पूरा करते हैं ये तो हमारा तीर इधर को जाएगा, अंदर वाली गोली इधर को जाएगी, तो देखिए ये वाला बिल्कुल सही है। इसको अगर हम मिलाते हैं तो इसको देखिए, यहां मिलाया आपने, इसको यहां मिलाया, और यहां से ये लाइन ऐसे खींची, तो ये जो आकृति है वो सी वाली बिल्कुल है। यहां आपने क्या करना है कि जो एक क्रम में आकृतियां चेंज हो रही है, तो चौथे स्थान पे कौन सी आकृति इनमें से आएगी, ये खोजनी है। तो ये एक तीर है, दो तीर, तीन तीर, तो चार तीर नीचे की तरफ, तो देखिए डी वाली आकृति बिल्कुल मैच कर रही है, और
इसमें देखिए यहां ऐसा था, अब ये उल्टा हो गया, ठीक है ना, इसको 90 डिग्री घुमा दिया है, फिर इसको 90 डिग्री घुमा दिया है, तो फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये तीर ऊपर चला जाएगा और ये गोला इधर आ जाएगा, तो तीर ऊपर गोला इधर, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। इसमें देखिए ये इसको ऐसा काटा गया है, इसका एक हिस्सा गायब हो गया, अब इसके यहाँ पे दो हिस्से गायब हो गए, तो अब हिस्से गायब इधर से इधर को हो रहे हैं, तो अब ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा और केवल ये वाला रहेगा, तो बी वाला आंसर सही है। तो सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, मैथ्स के कर दिए हैं, मेंटल एबिलिटी वाले कर दिए हैं, अब बारी है लैंग्वेज की, और इसमें लैंग्वेज अब हम सॉल्व करेंगे हिंदी, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो सबसे छोटा जिसके टुकड़े नहीं करते उसको अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं, ऊष्म व्यंजन नहीं है। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो तीनों श होते हैं, एक तालव्य श, मूर्धन्य श और दांति श, और एक ह होता है। तो इसमें से देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो नहीं है, ये इसको बोलते हैं अंतस्थ, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका सही आंसर व होगा। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं तो वचन कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। चिड़िया पेड़ पर बैठी है वाक्य में पेड़ पर प्रयुक्त कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, और संबंध का, और फिर होता है अधिकरण में होता है में या पर, तो यहाँ पेड़ पर बैठी है तो इसका मतलब यहाँ पे अधिकरण कारक होगा, ठीक है। निम्नलिखित में ट वर्ग के वर्ण है, तो जिसमें ट ठ ड ढ आ होगा, तो इसमें देखिए ख आ गया, इसमें छ आ गया, तो ये भी नहीं है, इसमें थ आ गया, ये भी नहीं है, तो ये आए, ये हैं ट वर्ग के, ये ट वर्ग के वर्ण है, ठ ट ड ढ ण। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो मयंक तो है, शशि भी है, राकेश भी है, व्योम नहीं है, व्योम का मतलब आकाश होता है, तो ये सही आंसर है। जो मीठे वचन बोलते हैं उनके लिए प्रयुक्त शब्द है मृदुभाषी, मीठे वचन बोलने वाला मृदुभाषी। मोरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो नी है इसमें, क्योंकि मोर के साथ नी जोड़ा तो मोरनी हुआ। मैं अपना काम स्वयं करता हूं वाक्य में स्वयं व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो स्वयं अपने आप में सर्वनाम है और ये निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं अपना इस शब्द जो है निजवाचक होते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है वाक्य में तेज क्या है, तो देखिए तेज दौड़ता है, तो तेज किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की नहीं बता रहा है, यहाँ पे देखिए दौड़ने की बता रहा है, तो दौड़ने की पता दौड़ना क्रिया है, तो तेज जो है क्रिया विशेषण होगा। विवेक आज विद्यालय नहीं गया, इसे निषेध वाचक या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, निषेध वाचक वाक्य। चल शब्द का विलोम तो चल का अचल होता है, ठीक है। आकाश पाताल एक करने मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रयास करना। निम्न में तद्भव शब्द है, इसमें जो तद्भव शब्द का मतलब गलत शब्द होता है, इसमें जो गलत शब्द है वो आग है, क्योंकि आग का तत्सम अग्नि होता है, बाकी ये तीनों तत्सम रूप हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, अज्ञानी में उपसर्ग है, विज्ञान में उपसर्ग है, अनुज्ञा में भी उपसर्ग है, तो ज्ञानी में उपसर्ग नहीं है। बालक चला गया वाक्य में तो चला गया, ये पहले जो काम होता है उसे भूतकाल कहते हैं, इसका आंसर भूतकाल है। दर्पण साहित्य समाज का, इस वाक्य का सही पदकर्म है, तो साहित्य समाज का दर्पण है, तो ये चौथा वाला बिल्कुल सही। कनक कनक शब्द युग्म का सही अर्थ, एक कनक का मतलब सोना होता है, एक का मतलब धतूरा होता है, ये वाला सही है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद, तो सत्य धन आग्रह, ठीक है ना। करण कारक का विभक्ति चिन्ह, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये। अब एक पैराग्राफ है, इसको हमने पढ़ना है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 90वें हिस्से से पदक चूक गया हो। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। इस संसार में जितने भी समय के महत्व
जिसने भी समय के महत्व को समझा उसने सफलता प्राप्त की और सुख के साथ जीवन गुजारा, परंतु जिसने समय के महत्व को नहीं दिया, समय को महत्व नहीं दिया, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उपर्युक्त गद्यांश में किसे मूल्यवान बताया गया है, तो यहाँ समय को मूल्यवान बताया गया है। गद्यांश में आए संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जग भी संसार को कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं, विश्व भी कहते हैं, देश नहीं कहते हैं, ये सही आंसर है, ठीक है ना। जिसने सुख के साथ जीवन गुजारा, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा, जिसने समय के महत्व को समझा उसी ने सुख के साथ जीवन गुजारा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका शीर्षक होगा समय का महत्व, समय का महत्व, समय का महत्व,